नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उत्तराखंड से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर और एक बड़ी खबर जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर इस विंटर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं और बर्फबारी का मजा लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो बनाई थी ओली टूरिस्ट प्लेस, ओली के बारे में हमने कुछ जानकारी दी थी। दोस्तों कई लोगों के कमेंट वीडियो में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं लोग कि ओली में बर्फ गिरी है या नहीं गिरी है, तो दोस्तों इसी से जुड़ी एक खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मंगलवार को मौसम के बदले मिजाज के कारण चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और ओली में जमकर बर्फबारी हुई है। दोस्तों केदारनाथ में जहाँ 4 इंच नई बर्फ जम गई है, वहीं तापमान -7 तक पहुंच चुका है। दोस्तों चोपता में भी बर्फबारी हो चुकी है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये ओली की बर्फ है, ये लाइव बर्फ गिरती हुई मंगलवार को इस तरीके से। दोस्तों हमारे पास वीडियो शेयर की गई है, हमारी जो गाड़ियां गई थी ओली चोपता गई थी तो हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने वीडियो बना के भेजी है। आप देख सकते हैं बर्फबारी, ताज़ा बर्फबारी दोस्तों होती हुई, तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये ओली जाते हुए देख सकते हैं दोस्तों बर्फबारी पड़ती हुई, और बद्रीनाथ में दोस्तों काफ़ी बर्फबारी हुई है और केदारनाथ में भी बहुत बर्फबारी हुई है, चारों धामों में बर्फबारी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों ओली ऊपर का जो है स्काई रिसोर्ट है वहाँ का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मंगलवार का वीडियो है, बर्फबारी होती हुई, ताज़ा बर्फबारी है। हम दोस्तों सबसे पहले आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं जो ओली चोपता में बर्फबारी हुई है उसका वीडियो शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें दोस्तों। दोस्तों नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं ओली चोपता के लिए। दोस्तों 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को काफ़ी भारी मात्रा में टूरिस्ट ओली चोपता की तरफ आता है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने लिए टैक्सी बुक कर ले। और दोस्तों देख सकते हैं 7:30 बजे का स्नोफॉल है ओली का, ऊपर कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है दोस्तों। तो आप जल्दी प्रोग्राम बना ले आने के लिए ओली चोपता, अगर आप घूमना चाहते हैं तो हमसे जल्दी से जल्दी ये टैक्सी बुक करा लें नीचे के नंबरों पर फ़ोन करके दोस्तों। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, लेटेस्ट अपडेट हमने ओली चोपता में बर्फबारी की आपको दे दी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।